ये बहुत सिंपल तरीका है, ये इसमें पैसे आपको नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हल्का सा मैंने फव्वारा तेज करके और इसे किया, देखिए यहाँ पे सभी ख़त्म हो गए हैं। दोस्तों गुलदाउदी के पौधे पे एक इस समय बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम आती है। आप देख रहे हैं ये जो काले कीड़े हैं ब्लैक बग्स, ये बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं और ब्लैक बग्स के चलते गुलदाउदी के जो पौधा होता है इसकी ग्रोथ रुक जाती है और ग्रोथ के साथ साथ देखेंगे जो इसमें बर्ड्स आते हैं बर्ड्स बिल्कुल नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने ये दोनों प्लांट एक ही समय का, एक ही दिन का और एक ही टाइम का लगाया हुआ है और देख सकते हैं कि इसमें अभी हल्का फुल्का अटैक है और इसमें बहुत दिनों से अटैक है, तो इसकी पूरी ग्रोथ रुक चुकी है और इसकी ग्रोथ देखिए इसकी अपेक्षा बहुत ही अच्छा है। जैसे अब आपको दिखा सकते हैं, देखिए जैसे इसमें भी हल्का हल्का ये इसका जो ब्लैक बग है उसका भी अटैक आ चुका है। अब देख सकते हैं इसके वजह से, क्योंकि पास में जब भी रहेगा तो इसके वजह से इसमें भी ब्लैक बग्स आ सकते हैं और आपको पता है इसके साथ साथ एफिड भी इसमें बहुत ज़बरदस्त मात्रा में आ चुके थे, लेकिन ये इसमें फ़िलहाल में कंट्रोल है। लेकिन ब्लैक्स जो बग्स दिख रहे हैं आपको, जो काले कीड़े जिसे कहते हैं, इसको कंट्रोल करना आपको ज़रूरी है। मैं 3-4 तरीका आपको बताऊँगा इसको कैसे कंट्रोल करना है और 3-4 तरीकों को आपको बताया कि आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ये कंट्रोल हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आपको बताते हैं कैसे इसे कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बता दें आपको कि जब भी आप पानी का गमलों में की मिट्टी में गुड़ाई करने के बाद पानी आप देते हैं तो पानी देने के साथ साथ ये काम ये करना है कि आप अपने पंप स्प्रे से हल्का सा करना क्या है कि थोड़ा सा फव्वारा इसको तेज करके और इसको अच्छे तरीके से छिड़काव करना है पानी का, सिर्फ पानी का। और ये देखिए पानी का छिड़काव करेंगे तो ये हाथों पर आप देख सकते हैं ये हाथों पे ये आ जा रहे हैं, तो ये पानी के छिड़काव से भी ये हट सकते हैं। थोड़ा सा इसको जो इसका जो नोजल है इसको फास्ट कर दीजिए ताकि इसके चोट से ये इससे दूर हो जाएंगे। देखिए ये बहुत सिंपल तरीका है, ये इसमें पैसे आपको नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हल्का सा मैंने फव्वारा तेज करके और इसे किया, देखिए यहाँ पर सभी ख़त्म हो गए हैं और ये सब के सब नीचे गिर जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे तो सब सब ये मर जाएंगे, क्योंकि जो पंखे होती है पंखे इसकी ख़राब हो जाएगी, जब पंख ख़राब हो जाएगी तो ये फिर पौधे पे नहीं आएंगे। अब एक काम ये करना है आपको कि ये प्रक्रिया आपको लगातार 3 से 4 दिन तक इसी तरीके से पौधे को आपको नहलाना है और ये फ्री का तरीका है। ये जो तरीका पहला है और ये फ्री का, इस तरीके से बिल्कुल आप ख़त्म कर देंगे जो भी ब्लैक बर्ड्स लगे, एफिड्स लगे हैं, मिली बग भी अगर लगे हैं गुलदाउदी में तो गुलदाउदी में मिली बग का यही सेम उपाय है। इस तरीके से आप फव्वारा तेज करके इसको नहला देंगे तो ये मिली बग भी ख़त्म हो जाएगा। और ये ध्यान रहे दोस्तों कि एक बार नहीं, कम से कम 3-4 दिन 5 दिन लगातार इस तरीके से आप इसे कर दीजिए, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तो हो गया तरीका नंबर पहला, आप देख सकते हैं अब यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं और ये ज़रूरी है 4 से 5 दिन ज़रूर करिएगा। उसके बाद जो तरीका नंबर जो दूसरा हम आपको बता दें, दूसरा कैसे क्या करना है, दूसरे के लिए आपको हम बताएं कि आपको घर में मिल जाएगा डिटर्जेंट। आप देख सकते हैं मेरे हाथों में ये है डिटर्जेंट और डिटर्जेंट को जब भी आप इस्तेमाल करें तो आप ले लीजिए पानी और पानी अब अपने हिसाब से ले लें, जितने प्लांट है अगर 1 लीटर पानी आप ले रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डिटर्जेंट आप इसको घोल सकते हैं। जैसे देखिए ये हम आधा चम्मच भी इसमें डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि पौधा नुकसान भी हो जाएगा इससे। और देखिए इसको अच्छे तरीके से आप घोल लीजिए और घोलने के बाद इसको स्प्रे में, स्प्रे पंप में इसे भर लीजिए और भरने के बाद आपको बता देंगे बहुत बेहतरीन ये काले कीड़े से बचने का तरीका एक यह भी है, इसको भर लें और भरने के बाद छिड़काव इसका कर दें। लेकिन इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जब भी इसका आप छिड़काव करें तो देखिए हम आपको दिखा देते हैं, जैसे जब भी आप देख रहे हैं थोड़ी सी यहाँ पे लगे हुए हैं, देखिए इसके पास हैं, तो आप जब भी इसको छिड़काव करेंगे तो आप इस तरीके से छिड़काव अच्छे तरीके से आप कर दीजिए और ये छिड़काव करने के बाद थोड़ी देर रुकेंगे तो थोड़ी देर बाद देखेंगे ये यहाँ से टहलना चलना बिल्कुल बंद हो जाएगा इनका, मीन्स ये ख़त्म मर जाएंगे यहीं पे। और इसके हाथों से इसे आप ये हटा सकते हैं या इसके बाद एक काम करना है कि जब भी इसको आप छिड़काव कर दें, छिड़काव करने के बाद आप तुरंत
इसी पौधे पे ये आपको ध्यान रहे, जब भी आप डिटर्जेंट का छिड़काव कर रहे हैं तो छिड़काव करने के बाद ये ध्यान आपको रहे कि हमेशा तुरंत उसी जगह पे आप पौधे को पानी से नहला दें। ये ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये कॉस्टिक होता है और ये कहीं ना कहीं पौधे को नुकसान भी कर सकता है। तो इस तरीके से उसको करने के बाद इसको आप छिड़काव कर दें। ये हो गया तरीका नंबर दूसरा। उसके बाद जो तीसरा हम आपको बता दें, तीसरा आप नीम ऑयल का जानते होंगे यूज करना, तो नीम ऑयल यूज करिए। एक लीटर ले लीजिए पानी और एक लीटर पानी में इसको आप 3 से 4 ml, या घर का बना हुआ नीम ऑयल तो बाहर का नीम ऑयल है तो भी 3 से 4 ml ले लीजिए। और 3 से 4 ml लेने के बाद आप उसमें 1 से 2 ml ले लीजिए डिशवाश, दोनों को मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद इसका छिड़काव इस पर आप कर दीजिए। छिड़काव आपको हम बता दें कि 5 दिन बाद फिर दोबारा इसका कर दे छिड़काव। ये इससे भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, एफिड हो या मिलीबग हो या जो ब्लैक वाले कीड़े हैं, इससे भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उपाय नंबर चौथा आपको बता दें कि आपको घर में राख मिल जाएगा। राख देख रहे हैं, लकड़ी का राख हो या उपले का राख हो, इसमें आपके पास अगर ट्राइकोडर्मा हो तो ये ऑप्शनल है। ट्राइकोडर्मा नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर ट्राइकोडर्मा हो तो आप राख ले लीजिए। राख में 1 चम्मच ट्राइकोडर्मा मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद आप एक काम ये कर सकते हैं कि यूज करने का तरीका दो है। एक तो आप इसे सूती कपड़े में पैक कर लीजिए और पैक करने के बाद इस तरीके से आप छिड़काव कर दीजिए इस पत्तों के ऊपर, जहाँ जहाँ लगे वहाँ के ऊपर। या दूसरा जो तरीका, इसको आप हाथों से भी स्प्रिंकल इस तरीके से आप कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे ब्लैक वाले कीड़े लगे हैं वहाँ पे इसको लगा देंगे, फिर उसके बाद दोबारा ब्लैक वाले कीड़े यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएंगे। दोस्तों उसके बाद हम बता दें आपको कि जब भी इसमें खाद देने की बात आती है तो इसके लिए सरसों की खली, इसका फर्टिलाइजर बहुत बेस्ट माना जाता है। सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपको बताएं कि बहुत बेहतरीन एक फर्टिलाइज़र है ये, स्पेशली गुलदाउदी के लिए, कि आप एक ले लीजिए एक बर्तन में डाल लीजिए नीम की खली, या 500 ग्राम या 250 ग्राम नीम खली डाल दीजिए और उसमें कम से कम 3 से 4 लीटर पानी भर लीजिए और उसमें डाल दीजिए कम से कम 10 से 20 ग्राम DAP डाल के छोड़ दीजिए कम से कम 10 दिन तक। जब अच्छे तरीके से ये सड़ जाए तो सड़ने के बाद इसमें से स्मेल आएगा, लेकिन इसे आप परेशान नहीं होगा। अब इसमें करना ये है कि आप इसमें अगर ये 1 लीटर ये ले लीजिए तो कम से कम 10 लीटर पानी, अगर 500 ml तो 5 लीटर पानी इसमें आप डाल लीजिए। और ये लिक्विड देखिए, लिक्विड इतना हम डाल लिए और फिर से इसमें आप क्या करिए कि 1/2 लीटर पानी इसमें डाल के और फिर सड़ने के लिए छोड़ दीजिए। और आपको बताएं देखिए, इसको आप पानी में मिक्स कर दीजिए और पानी में मिक्स करने के बाद इस फर्टिलाइज़र को हर 5 दिन पे 6 दिन पे या 1 सप्ताह पे लगातार आप इसको देंगे तो इसका रिस्पांस बहुत बेहतरीन इसका मिलता है आपको। हम बता दें आपको कि गुलदाउदी के पौधे की जो मिट्टी होती है, मिट्टी इसके नम बहुत अधिक पसंद है। ड्राई मिट्टी कभी भी ना होने दीजिएगा, चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो या पानी दे रहे हैं तो पानी हमेशा इसको बना कर रखें ताकि इसमें नमी अच्छे तरीके से ये रहे। उसके बाद दोस्तों हम बता दें आपको कि ये फर्टिलाइज़र को आप हमेशा 1 सप्ताह बाद लगातार इसे दीजिए, महीने में 4 बार 5 बार, तो इसका रिस्पांस आप देखेंगे कि बहुत बेहतरीन आएगा। जो इसमें बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी ज़्यादा मात्रा में इस फर्टिलाइज़र को देने से आएंगे। और उसके साथ साथ जब इसमें फूल बनेंगे तो फूल देखेंगे, फूल की क्वालिटी बहुत बेहतरीन ये इसमें आएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।